संसद से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस महकमे में हलचल मची हुई है। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर कर रही है। कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बदले की भावना से काम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। शुक्रवार को मथुरा में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार की रीति नीतियों पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संसद से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करना भाजपा का एक षड्यंत्र है। कोर्ट के आदेश के बाद आनन फानन में मोदी सरकार ने राहुल गांधी को संसद सदस्य से हटा दिया। इस दौरान कांग्रेसी नेता ने कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। जी, क्या नाम है आपका और आज जो प्रथम बोला ये क्या मुद्दे हैं उसको लेकर जिस तरह से आप ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से आपके साथ रूबरू होने के लिए विशेष रूप से आपके बीच में आई और मुद्दे साफ। योगेश जी ने बात की मुझसे पहले, पूर्व प्रोफेसर साहब बात कही और आप भी जानते हैं कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बरकरार रहे, हम चाहते हैं देश का संविधान बरकरार रहे, हम चाहते हैं अखंड भारत का स्वरूप बरकरार रहे। इसकी लड़ाई हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी ने लंबे समय से लड़नी शुरू की और 4,000 किलोमीटर पैदल चल के कुछ मुद्दे निकाल के लाए। जब वो मुद्दे निकाल के लाए उन्होंने उनका जिक्र संसद में किया तो वहाँ पे एक मुद्दा और निकल के आया। वो निकल के आया कि जनता का पैसा धीरे धीरे दिनों उनकी जेब से निकल रहा है और देश के चंद पूंजीपति अमीर बनते जा रहे हैं और वो पूंजीपति जो 2014 से पहले 600 कुछ नंबर की विश्व के अमीरों में थे वो दूसरे तीसरे नंबर के हकदार हो गए। तो हमारे नेता ने कहा कि ये कौन सा ऐसा जादू हुआ जिससे कि इनके इतने बड़े धनाढ्य बन गए। और ये बात वो आज से नहीं पिछले लंबे समय से कहते चले आ रहे हैं। ये बात शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को खराब है। हमारे नेता डरते नहीं है, जनता की आवाज़ को, जनता की बात को कहने का मादा रखते हैं। वो बात उनको खराब है क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी विचार व्यक्ति की अधिकार है और उस विचार व्यक्ति के अधिकार का हनन करते हुए उसके ठीक कुछ चंद दिनों बाद आपने देखा होगा कि उनके यहाँ एक नोटिस लेके भेज दिया गया कि आप जब यात्रा में चल रहे थे तो वो महिलाएं कौन सी थी जिन्होंने आपसे ये कहा कि हमारा उत्पीड़न होता है। अभी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के वो बात वहाँ वो एक दबाव बनाने की उन्होंने किया। चौथे दिन सूरत में मुकदमा जो पहले से हैंडअप करके रखा हुआ था उस पर आनन फानन में निर्णय होता है। निर्णय होने के साथ मैक्सिमम सजा दी जाती है और राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। सदस्यता रद्द करने के तुरंत बाद ही उनके मकान खाली करने का नोटिस दे दिया जाता है। तो आनन फानन में सारे कामों को इतनी जल्दबाजी से आपने किया और आप भी उस बात को महसूस करते हैं क्योंकि देश के गृह मंत्री इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया है और उसके उससे उनको चिंता हो रही है कि हम लोग जाएं और न्यायपालिका से अपना न्याय मांगे। जी अध्यक्ष जी, बताया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, क्या मुद्दे हैं उसके और किस वजह से बुलाइए? आपको ज्ञात होगा माननीय राहुल गांधी ने अदानी के खिलाफ जो मुद्दा उठाया, हिंडनबर्ग में जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर माननीय राहुल गांधी मुद्दा उठाया, उससे मोदी सरकार और स्वयं मोदी भाजपा सरकार से मिला गई, जिसके कारण उन्होंने पूछा कि 20,000 करोड़ रुपये सेल कंपनियों का जो निवेश किया है इसमें अदानी कंपनियों में किसका है। तो मैं ये सीधा सीधा कहना चाहता हूँ वो पैसा भाजपा भारतीय जनता पार्टी का है, उस पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं है। जो विदेशों से हमारे खरीद फरोख कर रहे हैं सरकार उसका कमीशन का पैसा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भाजपा कमीशन का पैसा अदानी की कंपनी लगा रही है। कहाँ इस पार्टी इसको उठाकर करके रहेगी? ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, आज तक किसी भी देश में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ जितना अदानी और मोदी ने मिलकर किया है। कांग्रेस पार्टी इस पर सड़कों पर निपटेगी और एक एक करके, मैं ये कह सकता हूँ एक एक करके इसको भाजपा सरकार के काले कारनामों को किया जाएगा। उनको जानबूझ कर राहुल को एक षड्यंत्र के तहत, पूर्ण षड्यंत्र के तहत इनको केस में फंसा कर 2 साल की सजा की है, मकान खाली कराने का नोटिस दिया है। लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी वो है लाखों की संख्या में कुर्बानी दे दी लेकिन इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए जब तक नहीं हुआ जब तक उसको जो है उन्होंने सांस नहीं ली। आज वही समय आ गया है,
भाजपा सरकार किसी भी रूप में राहुल गांधी जी को किसी भी दबाव में किसी भी कार्यकर्ता को दबाव दे ले, लेकिन एक माननीय राहुल गांधी नहीं है, ये करोड़ों का राहुल गांधी है पूरे देश में और हर कार्यकर्ता राहुल गांधी है। मैं कहता हूँ ये पूरे मकान जितने हमारे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का वो हर मकान राहुल गांधी का है। न तो मकान खाली करने से कांग्रेस डरेगी, मगर राहुल गांधी को अगर जेल जाना पड़ेगा तो करोड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जेल जाएंगे और न स्कूल खाली रहेगा सरकार का, न जेल खाली रहेंगी, सबको भर दिया जाएगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत दिन आ गया है कि मोदी सरकार, इस निकम्मी सरकार, भाजपा सरकार, भ्रष्टाचार सरकार और महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ की जा रही अत्याचार का एक एक करके ये भारतीय जनता पार्टी से हिसाब किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस जनता को न्याय नहीं दिला देगी जब तक चुप नहीं बैठेगी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आगामी आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता में आएगी और सत्ता में आने के बाद जो कंपनी संस्थान है जो भाजपा अपने हिसाब पर चला रही है, उन अधिकारियों से और भाजपा सरकार के नेताओं से एक एक करके हिसाब ब्याज से चुकाया जाएगा, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी न डरेगी न भयभीत है, हम आगे बढ़ेंगे। जेल जाने के लिए तैयार है, माननीय राहुल गांधी के लिए जेल की बात थोड़ी है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है और देश की जनता के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस तरह से आगे जो भाजपा के लोग इस तरह के अगर वचन कहीं बोलते तो क्या कांग्रेस उसको लेकर मुद्दा? देखिए मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ कि अगर कोई गाजर मूली की चोरी करता है तो क्या आप उसे फांसी की सजा दे देंगे? मानवता के लिए कानून बनाए जाते हैं, ना कि मानवता को रौंदने के लिए। आप देखते हैं कि इस केस में जो ज्यादा सजा हो सकती थी वो दी गई। अगर इस सजा में एक दिन का भी अगर कम किया गया होता तो राहुल गांधी जी की सदस्यता बरकरार होती। इतना ही नहीं, देश देख रहा है, जनता भी देख रही है कि आनन फानन में 24 घंटे पूरे होने नहीं दिए कि जैसे इनको सब कुछ पहले से पता था कि तैयार बैठे थे कि जैसे ही ये फैसला आएगा माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को सबसे पहले खत्म करेंगे। इतना ही नहीं, देखिए कितनी बायस है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे कितने ही बीजेपी के नेता हैं जो गैर कानूनी तरीके से आज सरकारी अकोमोडेशंस में रह रहे हैं। इन्होंने उस पर भी देरी नहीं की और उनको तुरंत नोटिस दिया कि आप अपना बंगला खाली कर दीजिए। जिस पीढ़ी ने शहादत दी हो, जिसके कई कई घर से परिवार से लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की हो, उनके लिए आज मोदी सरकार इतना जो है इस तरह से उन्मूलन करना चाहती है उनका कि भाई इनको देश में देखना तक नहीं चाहती। उनके प्रवक्ता अनाप शनाप बातें करते हैं कि राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं, जब ये देशों में जाकर देश की अपमान करते हैं, कहते हैं कि उस देश में पैदा होना, भारत में पैदा होना शर्म की बात है। तो आप समझ लीजिए कि देश का ये सम्मान बढ़ाने जा रहे हैं, देश का यही सम्मान है। दूसरा कोई कुछ भी कहेगा तो ये उस पर मुकदमे करेंगे, चाहे वो पत्रकार हो। आपने देखा कितने ही पत्रकारों पर मुकदमे किए गए और एक पत्रकार ने तो देखिए सुसाइड किया, हत्या हुई या सुसाइड हुआ उसका, ये भी जांच का विषय, उस पर कोई जांच नहीं हुई आज तक। किस तरह से दबाव में लोगों को लिया गया है। मथुरा में खुल गया है कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी का पहला एडवांस इंस्टीट्यूट I2Chem। कॉस्मेटोलॉजी में आप बना सकते हैं अपना कैरियर, एडमिशन ओपन। अब आपको स्किन फेयर, हेयर ट्रीटमेंट और फेस स्टाइलिंग के कोर्स के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। I2Chem इंस्टीट्यूट में आपको मेडिकेटेड फेशियल, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, एंटी एजिंग, डैंड्रफ, हेयर फॉल और स्टाइलिश फेशियल से संबंधित कोर्स उपलब्ध हैं। कॉस्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी में एडवांस कोर्सेज करिए और अपना भविष्य बनाइए। जो भी इच्छुक हैं और आजकल कॉस्मेटिक और ट्राइकोलॉजी का ही जमाना है सब कुछ, तो यहाँ पे आके अपनी सुविधा ले। संपर्क करें I2Chem इंस्टीट्यूट पातिनाम मंदिर के सामने, सौंख रोड, मथुरा। नियो न्यूज की खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नियो न्यूज मथुरा को सब्सक्राइब करें।